एशिया कप 2023 के लिए मिल गए सुपर चार, श्रीलंका के हाथों अफगानिस्तान को मिली हार। एशिया कप 2023 के सुपर चार में जगह बनाने से अफगानिस्तान चूक गई। अफगानिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में 2 रनों से करीबी हार झेलनी पड़ी। श्रीलंका ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 291 रन बनाए थे। इसके बाद अफगानिस्तान को सुपर फोर में पहुंचने के लिए इस लक्ष्य को 37.1 ओवर में हासिल करना था, जो वो नहीं कर पाई। श्रीलंका के खिलाफ 2 रनों की हार के बाद अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी ने कहा, इस हार से और सुपर फोर में ना पहुंचने से बहुत निराश हूं। हमने अच्छी चुनौती दी, हमने अपना 100% दिया। टीम जिस तरह खेली उस पर गर्व है। मुझे लगता है कि हमने वनडे फॉर्मेट में पिछले 2 सालों में अच्छा क्रिकेट खेला है। उन्होंने आगे कहा, हम अब भी काफी कुछ सीख रहे हैं। हमने इस टूर्नामेंट से काफी सकारात्मक चीजें सीखी हैं। हम वर्ल्ड कप के करीब हैं। हमने यहाँ जो गलत किया है उससे सीख लेंगे और वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। दर्शकों ने हमारा काफी समर्थन किया है। हमने उन्हें कुछ वापस देने की भरपूर कोशिश की, हमें उसके लिए खेद है। एशिया कप में श्रीलंका से मिली 2 रन की निराशाजनक हार के बावजूद उन्हें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है, जिन्होंने मैदान पर अपना 100% दिया। इस दौरान उन्होंने फैंस से माफी भी मांगी। वहीं श्रीलंकाई कप्तान दाशुन शना का राहत महसूस कर रहे हैं कि उनकी टीम किसी तरह जीतने में सफल रही। दाशुन शनाका ने कहा, ये काफी मुश्किल रहा, इस स्कोर का बचाव करना मुश्किल था। नबी ने शानदार पारी खेली जिससे मैच हमारे हाथ से लगभग चला ही गया था, लेकिन हमने आखिर में जीत हासिल कर ली। इस तरह सुपर फोर राउंड की चारों टीमें तय हो गई हैं। भारत और पाकिस्तान की टीमें ग्रुप ए से सुपर फोर राउंड में पहुंची हैं, जबकि श्रीलंका और बांग्लादेश ने ग्रुप बी से सुपर फोर राउंड में अपनी जगह बनाई है। वहीं एशिया कप 2023 में नेपाल और अफगानिस्तान का सफर खत्म हो गया है। एशिया कप सुपर फोर राउंड के मुकाबले 6 सितंबर से खेले जाएंगे, जबकि इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को होना है। क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा एशिया कप? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।